वैसे तो सितंबर मंथ में गवर्नमेंट ने कहा था कि वो 25,000 नई पोस्ट निकालने की तैयारी कर रही है, तो जो उनकी अभी एक नई नोटिफिकेशन आई है 12 अक्टूबर 2020, उनकी कुछ बातें दिखती हुई नज़र आ रही है। चलिए इस बार हम चेक करते हैं कि क्या उनकी नई नोटिफिकेशन है नई जॉब के लिए। तो दोस्तों, उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इस बार एक और नई नोटिफिकेशन के साथ आया है 12 अक्टूबर 2017 की, और उसने आवेदन मंगाए हैं 55 पदों के लिए और 3 स्पोर्ट्स कॉलेज के सहायक शिक्षा अध्यापकों के लिए। जी हाँ, एलटी की जो नई पोस्ट आई है वो 55 पोस्ट के लिए आई है और जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 13 अक्टूबर 2017 शुक्रवार से, और ये चली गई आपकी 12 नवंबर 2017 तक। और इस पे किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और कौन सी पोस्ट हैं, आइए चलिए देखते हैं एक बार फिर से। तो इस बार जो है हिंदी के लिए इस समय जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आपके हिंदी, जिसके लिए जो कुल पोजीशन है वो इस समय है 7, और उसके बाद आती है आपकी विज्ञान। विज्ञान के लिए, साइंस के लिए इस समय सिर्फ 2 ही पोजीशन है यहाँ पे, और सामान्य के लिए इस पे कोई कैटेगरी नहीं है, कोई भी पोस्ट इस पे खाली नज़र नहीं है। जी हाँ, अगर हम अगली बात करें एलटी अंग्रेजी के लिए, जिस पे सिर्फ कुल पोस्ट है 3, और जिस पे सिर्फ जो जनरल कास्ट के लिए है उस पे कोई पोस्ट नज़र नहीं आ रही है, और आपकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उस पे से ओबीसी के लिए जो अन्य जाति है अदर्स के लिए उस पे सिर्फ 2 ही यहाँ पे सीट है। और हम बात करते हैं अगली गणित की, तो गणित पे समय जो सामान्य जाति के लिए वो सिर्फ 4 सीटें हैं और जो 7-4 पोस्ट हैं, और इसके अलावा जो हैं आपकी जो 2 पोस्ट बचती हैं वो हैं अन्य जातियों के लिए। तो यहाँ पे समय गणित का भी पोस्ट है खाली, संस्कृत में भी है 12 पोस्ट हैं, और संगीत की 4 हैं, कला के लिए 8 हैं, और व्यायाम के लिए 11, स्पोर्ट्स वालों के लिए। और मैं बता दूँ, और एक और है गृह विज्ञान, उसके लिए 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो किस किस पोस्ट के लिए कितनी पोजीशन इस समय वैकेंट है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक नोटिफिकेशन का लिंक, आप सीधा जाएंगे यूकेएसएससी की वेबसाइट पे और वहाँ से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। हाँ, तो एक बात इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो बात ये है कि जितने भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी जो है उसके लिए होनी चाहिए टेट क्लियरिफाई। जी हाँ, टेट का एग्ज़ाम उनको क्लियर करना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। अगर आपका टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो आप, और इसकी जो एक टेंटेटिव जो डेट है, मतलब एक अस्थायी डेट है आपके एग्ज़ाम होने की, वो है आपकी 26 नवंबर 2017। जी हाँ, ये वही डेट है जो कि जो जनवरी का महीना था इसी साल जनवरी में, जो उन्होंने पोस्ट निकाली थी एलटी के लिए, जिनका एग्ज़ाम अब होने वाला है, जो लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के एग्ज़ामिनेशन अब एक ही साथ होगा। और इस एग्ज़ाम जो अब इस के जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और जो जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल कर रहे थे, इन दोनों के एग्ज़ाम अब कंबाइन होंगे, एक ही साथ होंगे। तो आपकी चॉइस, अगर आप लोगों ने पहले हिंदी के लिए फिल करा था तो उसका एग्ज़ाम की तैयारी करें, साथ में अगर वो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए भी अगर वो जाते हैं फिल करने के लिए, तो वो इसको फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने बताया था, ये सारा का सारा लेटेस्ट इस समय जो है आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न में सारे क्वेश्चंस अब आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, जिस पे कोई भी आपकी लेटेस्ट करंट अफेयर्स या उत्तराखंड से जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सिंपल आपको जो आप हिंदी इंग्लिश मैथ्स की जो भी आपकी तय जिस स्किल के आप फिल कर रहे हैं, सिर्फ उसी से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपको बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, तो सिंपल आपका जो कोर्स है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वहाँ पूछने आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और हाँ, एक और बात है कि आपका 1/4 इस पे आपका जो है मार्क्स कटे जाएंगे आपके गलत आंसर करने पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पता लगी होगी इस नोटिफिकेशन के बारे में, और बहुत सारी डिटेल में नोटिफिकेशन है वो शायद यहाँ पे डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं यकीनन आप पे उसकी हेल्प करूँगा। और एक बात और, आपको किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है UPSC की वेबसाइट पर जाके, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि मेरी पिछली वीडियो थी, उस पर जो हाफ पार्ट है उस पर आप चेक कर सकते हो और जान सकते हो कि किस तरीके से आप UKSSC का फॉर्म फिल कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स पे मौजूद है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और जानते हैं को नोटिफिकेशन के बारे में और जानेंगे कुछ नई अपडेट्स और जानेंगे क्या है करंट अफेयर्स के बारे में। और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।